गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसे कि आपने पूर्वत वीडियो में अध्ययन किया किस तरीके से इटली का एकीकरण होता है और इटली के एकीकरण के उपरांत अब आप समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है, किस तरीके से वहां की जो ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी थी उसको हम अध्ययन में जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वहां पर सभी छोटे छोटे प्रांतों का एक प्रादुर्भाव हुआ था जो एक रूप में ब्रिटेन के रूप में देखने को मिला और वहां पर किस तरीके से प्राचीनता का बोझ जो था जो एक देश के नाम पर ना होकर वहां की संस्कृति के नाम पर ना होकर वहां की सांस्कृतिक चिन्हों के नाम पर था उसको हम आप समझेंगे, जिसमें ब्रिटेन की एक महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन देश के नाम पर कोई भी चीजों का वर्णन देखने को नहीं मिलता है तथा यह भी समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में यह राष्ट्रवादी प्रक्रिया का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और कोई भी इस तरीके से जन समुदाय नहीं समझ पा रहा था कि कैसे ब्रिटेन को एकजुट किया जा सके, ब्रिटेन में कैसे यह समस्त प्रक्रियाओं को जन्म दिया जा सके। तो दूसरी बात हम समझते हैं कि ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों में बटा हुआ था, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, हर नस्ली की अपनी ग्रुप की अपनी अलग अलग संस्कृति और राजनीतिक प्रक्रिया थी। जितने भी नस्लवादी लोग थे, इन अलग अलग जातियों के लोग थे, ये सभी अपने अपने संस्कृति और राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे। जो चाहते तो थे कि वहां पर राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हो, परंतु उनको कोई एक महत्वपूर्ण साधन नहीं मिल पा रहा था कि कैसे वह राष्ट्रवादी प्रक्रिया को जन्म दें। तो आप अगले लाइन समझ सकते हैं कि 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना मानी जाती है, जिसमें कई छोटे छोटे देशों ने मिलकर, जिसमें से आपने समझा कि स्कॉटलैंड या वेल्स या आयरिश, इन सभी लोगों ने मिलकर यूनाइटेड या किंगडम की स्थापना की, जिसको एक यूनाइटेड किंगडम के तहत ब्रिटेन का नाम दिया गया या एक संघ के रूप में माना जाता है, जो कि आगे चलकर यहाँ ब्रिटेन में ही देखने को मिलता है और इन सभी छोटे छोटे देशों का एक संघ मान लिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन यानी यूके के नाम से इसको हम जान सकते हैं। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, जो उसके पूर्व की घटनाओं को हम देखें तो कई प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं को लेकर मजदूर वर्ग या छोटे छोटे ग्रामीण अंचल के लोग या बड़े वर्ग के लोगों ने, सभी लोगों ने यही बात समझने के लिए कि किस तरीके से राष्ट्रवादी प्रक्रिया को जन्म दिया जाए, उसमें संघर्ष करते रहे और अंततः यह देखने को मिला कि 1801 ईस्वी में ही जबरदस्ती किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में यह प्रक्रिया देखने को मिली कि उसे एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया, इसमें स्कॉटलैंड या कई छोटे छोटे देशों को मिला लिया गया और जबरदस्ती एक राष्ट्र की भावना को जन्म दिया गया और इस तरह से पुराने देश इस नए यूनियन में बस मूक दर्शक ही बन कर रह गए। जो पुराने देश थे उन्होंने यह सोचा कि हम स्वयं को ही अपने आप को मानेंगे, परंतु स्वयं को कोई नहीं मान सका और उसमें यह बात देखने को मिली कि कैसे केवल ब्रिटेन ने ही जबरदस्ती सबको अपने ग्रुप में शामिल किया और कोई उसमें अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाया, केवल ब्रिटेन को ही एक सत्ताधारी माना गया यूनाइटेड किंगडम के रूप में और वहाँ पर राष्ट्रवादी व्यापी प्रक्रिया का जन्म हुआ और राजतंत्र साथ में मिलकर वहाँ पर इस अजीबोगरीब दृश्य को देखने को मिला और आप समझेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर और भी प्रक्रियाएं हुई। मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आपने पूर्वत वीडियो में अध्ययन किया कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव किस तरीके से होता है, किस तरीके से ब्रिटेन एक नई राजसत्ता को प्राप्त करती है, तो
तो आज हम आपको बताएंगे कि संपूर्ण देश में जो संकट की प्रक्रिया थी वह किस तरीके से राष्ट्रवाद के रूप में तब्दील हो जाती है और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या भिन्नता देखने को मिलती है तथा राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद किसे कहते हैं इसको समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद एक प्रकार की दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है संपूर्ण छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा अपने राष्ट्र के लिए जो एक प्रेरणा उत्पन्न होती है कुछ करने के लिए, कुछ हितकर कार्य करने के लिए, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और उसी राष्ट्रवाद के द्वारा उसी राष्ट्र में जब एक राजतांत्रिक प्रक्रिया जो पूर्व में कही गई है उसी को जन्म दिया गया हो जो पूर्व में है और उसके द्वारा उस राज्य को बढ़ाया जाए या उस राष्ट्र को प्रगत किया जाए और उसे एक महत्वाकांक्षा भावना से आगे की तरफ ले जाया जाए, उसकी सीमा को और प्रदुर्भाव में ले जाया जाए और बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इस संपूर्ण राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया यूरोप में देखने को मिली उसमें साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों को शामिल किया गया, जिसके कुछ विभिन्न पहलुओं को हम आपको समझाते हैं। इसमें पहला था 1857 ईस्वी में यूरोप के बालकन क्षेत्र में तनाव आपसी भौगोलिक और जाति भिन्नता का स्लाव का नाम दिया गया। बालकन एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी जो राष्ट्रवाद को लेकर थी, तो छोटे छोटे तथा बड़े बड़े राज्यों को मिलाकर उसमें एक कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि उसमें युद्ध तमाम प्रकार के हो रहे थे जिसको राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की प्रक्रियाओं के द्वारा दूर किया गया था, जिसको हम एक पहला कारण ले सकते हैं जो बालकन क्षेत्र प्रमुख माना जाता है। जिसके पहले आप ग्रीस के क्षेत्र को जान सकते हैं, ग्रीस की लड़ाई को आपने समझा 18 शताब्दी से लेकर 19 शताब्दी के बीच में, ऐसे तमाम प्रकार के जो युद्ध हुए, जर्मनी क्रांति और या इटली का एकीकरण कह सकते हैं या फ्रांस का, तो समस्त जितने भी क्रांतियों का प्रादुर्भाव हुआ उसमें साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की भावना का ही प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, जो साम्राज्यवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद का निर्माण देखने को मिलता है, जो पुरातात्विक प्रक्रियाओं को खत्म करके नए तरीके से उसमें यह प्रगति में आता है। दूसरा पॉइंट आप समझ पाएंगे कि विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों की पहचान आपसी टकराव, जो स्लाववादी लोग थे जो बालकन क्षेत्र में रह रहे थे, एक स्लाववादी प्रक्रिया थी जो बूर्बो वंश या कह सकते हैं कि जिसमें गैरिबाल्डी, मेसनी, ये समस्त जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एक मानना है कि स्लाव भी उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, स्लाववादी थे, नक्सली या नक्सली क्षेत्र जो था उसमें रहने वाले लोग थे, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति लोग एक अपने उग्रवादी व्यवस्था को जन्म देते हैं उसको हम नक्सली क्षेत्र मान लेते हैं। तो ऐसा ही स्लाव क्षेत्र था जो बालकन के अंतर्गत आता है, तो उनके बीच में एक आपसी टकराव होता रहता था, यह भी एक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की व्यवस्था का एक नमूना पेश करता है। तीसरा पॉइंट है इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश या उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा को प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो यह माना जाता है उपनिवेशी प्रक्रिया। उपनिवेश का अर्थ है जो बड़े देश थे जैसे ब्रिटेन था या कह सकते हैं कि अमेरिका था, ये समस्त जो बड़े बड़े जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये जितने भी ऑस्ट्रिया थे, जब किसी दूसरे देश के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित किए तो उसको अपना गुलाम बना लिए तो उसी को उपनिवेश कहा गया। तो उपनिवेशवादी प्रक्रिया का भी जन्म देखने को मिलता है। जैसे भारत को अगर हम कहें तो भारत में 16वीं शताब्दी में ही ब्रिटेन का उपनिवेश स्थापित हो गया, यानी ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना दिया। और उसी समय के अंतर्गत देखा जाए तो आप समझेंगे कि साउथ अफ्रीका और कह सकते हैं अमेरिका, इन सभी देशों पर पूर्ण रूप में ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित था जिसको उपनिवेश बनाया गया था। तो ये सब ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी उपनिवेश करते हैं जिसमें वह प्रमुख रूप से अपना व्यापारिक क्रिया स्थापित करने हेतु उसे अपने अधीन कर लिया हो उसी को हम उपनिवेश कह सकते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की बात आती है उस समय यह अभी एक प्रमुख कारण बना जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की प्रक्रियाओं का जन्म देता है, दोनों मिलकर इस समय में प्रतिस्पर्धा का कार्य किए। अगला पॉइंट है राष्ट्रवादी देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, समाजों का राष्ट्र राज्यों में गठित किया गया। इस तरीके से राष्ट्रवादी चरम सीमा पर क्रांतिकारियों ने ले जाकर वहां पर लोकतंत्र, गणतंत्र की स्थापना की और साम्राज्य
विरोधी आंदोलन चलाए गए जो राजतंत्र से मिले हुए थे। राजतंत्र का अर्थ है जिसमें फिर सत्तात्मक प्रक्रिया को जन्म दिया गया हो। राजा के अधीन ही वह समस्त प्रजा होती है, जिसमें उसके बाद उसका पुत्र फिर उसका पुत्र शासन करते रहते हैं। इसको हम राजतंत्र कहते हैं, जिसमें राजतंत्र में ही साम्राज्यवादी प्रक्रिया का जन्म होता है। उसको निस्तो नाबूद करके राष्ट्रवादी प्रक्रिया को जन्म देना ही समस्त क्रांतिकारियों का एक मुख्य उद्देश्य था, जिसको वह 19वीं शताब्दी में पूर्ण करते हुए देखा जाता है। जो 19वीं शताब्दी में 1914 से लेकर 18 ईस्वी में एक विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनता है, जो साम्राज्यवाद की ही प्रक्रिया बनती है। जो राष्ट्रवाद होने के बाद साम्राज्यवाद भी एक बार फिर से अपने प्रादुर्भाव में आता है और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसमें से दो गुटों में बंट जाते हैं और पहला गुट था जर्मनी, दूसरा था फ्रांस। इसमें छोटे छोटे जो देश थे वह एक दूसरे के साथ होकर, जैसे पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, जर्मनी, ये सभी सब अलग अलग गुटों में बंटकर युद्ध करते हैं, जिसमें से जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह देखने को मिलता है। यही साम्राज्यवाद की प्रक्रिया का यह प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने संपूर्ण शताब्दियों के अंतर्गत देखा जाए तो 16 शताब्दी देखकर 19 शताब्दियों के में आपने यह अध्ययन किया कि किस तरीके से संपूर्ण यूरोप में, जो कि एक द्वीप है, उसमें एक राष्ट्रवादी प्रक्रिया को लेकर एकीकरण या जागरण की बात कहें, यह प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। और आगे चलकर वहां पर राष्ट्रवादी प्रक्रिया कायम होती है और साम्राज्यवादी प्रक्रिया को अगर गहन से देखा जाए तो वही एक कारण बना जिससे वहां पर विश्व युद्ध की प्रवृत्ति को जन्म देखने को मिलता है। इस तरीके से आज आपने इस वीडियो के माध्यम से यह समझा कि कैसे पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व को हम माने तो उसमें विश्व युद्ध होता है और कैसे राष्ट्रवाद पूर्ण होता है। और हम आपको यह बताएं कि उसमें कुछ चिन्ह भी दिए गए थे राजशाही, जैसे लाल टोपी, या अगर कहें तो जर्मेनिया में जर्मेनिया का चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें नोटों के ऊपर या कह सकते हैं कि शाही चिन्हों को देखने को मिला। सिक्कों के ऊपर तीर या लकड़ी से बना हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में आप पढ़ेंगे तो लकड़ियों का गट्ठर देखने को मिलता है, या लाल टोपी जो एक क्रांति को दिखाई प्रादुर्भाव में लाती है, ऐसे तमाम चिन्हों को दर्शाया गया है, या जर्मेनिया का एक प्रमुख जर्मन में देखने को मिलता है। तो ये समस्त रूप से चिन्हों के द्वारा आपने पूरा जर्मन और फ्रांस में समझा कि ये चिन्हों के माध्यम से वहां पर राष्ट्रवादी प्रक्रिया को प्रादुर्भाव मिलाया गया था। तो आपने इस तरीके से संपूर्ण इस क्रांति को अध्ययन किया, यूरोप में कैसे कैसे चीजों का जन्म हुआ, कैसे कैसे राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे कैसे वहां पर साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपने समस्त बातों को मनवाने के लिए अपनी लोकतंत्रशाही व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयोगात्मक तरीके से प्रगतिशील रहे, और अंत में प्रजातंत्र ही लागू हुआ और आगे चलकर जनता की बातों को मान लिया गया। तो आप अगले वीडियो में दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। तो अगली वीडियो में आपको यह समझने को मिलेगा, अगली लेक्चर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।